और भाई ये वाला जो मतलब राइड था हो रहा था, इसमें हमने कहीं धूप देखा नहीं, मतलब कहीं भी धूप नहीं मिली। यहाँ से निकले तो मतलब सुबह ही निकल पड़े थे अंधेरे अंधेरे में, रास्ते में पानी देख लिए पर धूप कहीं नहीं दिखा। मतलब ऐसा अपने को धूप चाहिए था पर धूप कहीं मिला नहीं। अपने को सोच रहे लग मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं हमने गलत दिन तो डिसाइड नहीं कर लिया राइड के लिए। तो बस जैसे तैसे पहुँच गए और राइड कंप्लीट की, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। मतलब आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले, मतलब 29 जनवरी को अपन एक मतलब एक छोटी सी राइड पे गए थे। वो तकरीबन 450 किलोमीटर का था। तो मतलब ऐसा था कि वो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस की तरह था। मतलब अपने को कुछ समय बाद थोड़ी लंबी लंबी राइड करनी है, तो अपन एक छोटा सा राइड पे निकल पड़े। बताते हैं मतलब उस राइड में ना बहुत सारी मस्तियाँ आई, मतलब बहुत सारे चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस करने को मिले। तो वो सब देखने को मिलेगा आपको। बस थोड़ा सा सब्र करना है। करना है कि आपको हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है वो दीजिए हमें 29 तारीख को। चलिए मैं बता दूँ ना कि मतलब हमारा प्लान कैसे बना कि भाई अपन बनारस जाए। तो मतलब ऐसा था कि कुछ दिन पहले मतलब हमारे कुछ मित्र हैं, उनका प्लान बना कि भाई अपने को बनारस जाओ। मतलब क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं थोड़े पाप कर लिए हैं, उनका बैलेंस करने के लिए बनारस जाएंगे, गंगा नहाएंगे और थोड़ा पाप मुक्त कर लेंगे और महादेव का दर्शन करके चले आएंगे। बोले सही है भाई, हमारा भी दिमाग चल रहा है कि भाई तो बनारस जाना है, गंगा नहाना है और बाबा काशी का दर्शन करके आना है। फिर अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं, तो मैं उसे शेयर किया कि भाई अपन बनारस जाने का सोच रहे हैं। तो वो बोलता है कि भाई 450 किलोमीटर क्यों ना बाइक से चला जाए। ऐसा मतलब वो दिमाग में वो डाल दिया, फिर उसका हो गया कैंसिल कि वो नहीं जाए। तो मतलब अब दिमाग में चल तो रहा था कि भाई बाइक से जाना है, तो ट्रेन के टिकटें भी कंफर्म हो रखे थे, पर फिर भी अपन जुगाड़ लगाए, घर में बिना बताए निकल लिए बाइक से। तो वैसे पापा को बताए नहीं थे, दीदी को बता दिए थे कि भाई ऐसा सोच रहे हैं कि बाइक से जाएंगे। 29 तारीख का सुबह होता है, अपन तैयार वैर होते हैं। पापा को पता था कि ये लड़का जो जा रहा है ट्रेन से जाएगा, तो यहाँ से स्टेशन जाएगा, फिर स्टेशन के बाद अपना ट्रेन से चला जाएगा। तो वैसे सुबह में पापा पूछते हैं कि भाई कौन से ट्रेन स्टेशन जाके बताता हूँ टिकट वो लोगों के पास, तो बाकी लोग हमारे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। तो ये सीन था उसके बाद होता है क्या, हम यहाँ से निकलते हैं, मतलब बाइक लेते हैं पर निकल लेते हैं। तो थोड़ा सा व्लॉग देखिए, रॉ व्लॉग, तो मज़ा आएगा। बाय बाय। हे व्हाट्स अप पीपल, नाउ राउर मन के जोहार, मैं रवि और आप हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक एंड व्लॉग पर। सुबह के बज रहे 6 और भाई साहब आज इतना जल्दी कैसे उठ गया मैं, और शायद इस साल का ये मेरा मतलब सुबह उठने वाला है, मतलब इतना सुबह उठा हूँ। इसका रीज़न ये है कि ना कि मतलब आज अपन एक छोटा सा राइड कर रहे हैं तकरीबन 450 किलोमीटर का, तो मज़े बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे मतलब एक्सट्रीम वाला। और भाई ऐसा है ना कि मतलब अभी ठंड तगड़ी वाली हो, हमारे मतलब गोपुर में थोड़ा सा पंगा रखा है। मतलब लास्ट जो हमारा पुरी वाला ट्रिप था उसमें जो हमने गोपुर को जो पानी में डूबे रखे थे, तो उस चक्कर में थोड़ा एक पंगा हो रखा, और उसके बाद हमने आज ऑन करा है तो पता चल रहा है कि भाई ये खुद ब खुद ऑफ हो जा रहा है, तो ये बड़ी दुख वाली बात है। और बाकी सब चंगा, आज हमने अपने दिन की शुरुआत एक झूठ से करी है। डैड को पता है कि मैं जा रहा हूँ ट्रेन से कहीं और अपन जा रहे हैं बाइक से। उन्हें थोड़ा बहुत डाउट था कि भाई ये बाइक लेकर क्यों जा रहा है रेलवे स्टेशन, तो हमने कन्विंस करा कि भाई ट्रेन स्टेशन पे ही अपने बाइक को छोड़ देंगे और फिर वहाँ से निकल लेंगे, बाकी लोग पहुँच रखे हैं, तो ऐसा हमने बताया।
पर ये गलत है, पर मैंने दी को बता रखा है तो वो मना लेगी और बाकी सब बढ़िया है। आज के सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है और थोड़ा आवाज़ हमारा जो है वो ठंड की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कोई नहीं, आप मैनेज करो और मैं व्लॉग करता रहेगा। एक लोग हैं जो हमारा काफ़ी टाइम, मतलब थोड़े टाइम से, मतलब अप्रॉक्स 20 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं एक जगह पे, तो बस उन्हें पिक करना और फिर जर्नी की शुरुआत करते हैं। भाई शुरुआत सब तो ठीक है, पर कल का मैं थोड़ा सा स्टोरी बताता है आपको, कल हमारे साथ क्या क्या पंगा हो रखा था। कल हमने सोचा कि चलो ड्राइव पे चलना है, तो बाइक को हमने धुलवा लिया। धुलवाते टाइम पता चला कि भाई पीछे वाले टायर में एक बड़ी सी पंचर है, और टाइम अप्रॉक्स तकरीबन 9 बज चुके थे उस समय तक, तो भाई कहीं पंचर वाला मिल नहीं रहा था। फिर हमने बहुत गूगल करा, हमारे एक फ्रेंड के पास पंचर वाला किट था, तो देन हमने जाके पंचर बनवाया। और उसके बाद हमारे ध्यान में आया कि इसका चेन ल्यूब काफ़ी टाइम से नहीं हो रखा है, तो वो कराना था। फिर हमने पूरी मार्केट छान मार रखी, तो हमें एक चैनल जो मिला वो भी शायद कैस्ट्रॉल का, पता नहीं कैसा था, पर हमने वो लिया और यूज़ कर लिया। और अपन लेकर भी जा रहे हैं, देखते हैं अगर रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी तो अपन करेगा उसका प्रयोग। और क्या बोलना था भाई, हाँ यही कि और हाँ भाई मैं भूल जाता है यार, देखो मैं ना कल पेट्रोल डलवाना भूल गया, और पेट्रोल काफ़ी मतलब कम ही है भाई, नियरेस्ट जहाँ मिलेगा मुझे वहाँ डलवाना पड़ेगा पहले इसमें भर भर कर। और इसमें एक डॉक्यूमेंट्स वो हमारे पास क्लियर नहीं है, वो एक पॉल्यूशन पेपर, तो भाई झारखंड झारखंड के बॉर्डर में हमें ये बनवा लेना, मतलब जितना जल्दी हो सके हम बनवा लेंगे आज। ये हमारा एक जो काम है वो प्रायोरिटी वाला रहेगा कि भाई पॉल्यूशन पेपर क्लियर करना है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं। थोड़े टाइम बाद ऐसा क्या होता, हम अपन रोमांचे वगैरह क्रॉस करते हैं, तो हमारे मतलब पेट्रोल टंकी में फ्यूल कम था, मतलब ऐसा था कि मतलब कम था डलवाना, तो कहीं पेट्रोल पम्प मिल नहीं रहा था, मतलब उतने सुबह में शायद कहीं बहुत जगह नहीं खुली हुई रहती है। तो ये सोचकर अपन बोला कि चलो बढ़िया तो अपन निकलते हैं, तो रोमांचे क्रॉस किए होंगे और हमारा गाड़ी चल जाता है बंद, वहाँ पर होते हमें बाइक को लगाना पड़ता लग, तो वो वाला भी सीन है ब्लॉग में देखिए। और बॉस अपन पहुंच चुके हैं रांची के आउटर रिंग रोड में, और समय हो रखा है 6:43, टाइम सेट हो चुका है, ट्रिप हमने ज़ीरो कर लिया है, और बचा क्या करने को, बचा है बस इसमें फ्यूल डलवाने को। और ठंड भाई हालत ख़राब कर देने वाली ठंड है भाई साहब। अभी हमारे साथ एक पंगा हो रखा था कि हमारा गाड़ी बंद हो गया ड्यू टू लो फ्यूल, तो भाई पेट्रोल पंप बहुत ज़रूरी है खोजना। ये हमारे बाइक का ना बड़ा बेकार सब, ओ भाई 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 चल जा यार, वहाँ है पेट्रोल पंप, रोहित वहाँ तक चल जाएगा। यार अभी 43 किलोमीटर दिखा रहा था, फिर अचानक जीरो हो गया और बंद। थोड़ा सा तो धक्का देना पड़ गया, वो गड़बड़ बात है ये तो। कितना डाल रहे हैं? हाँ कितना डाल रहे हैं? फुल कर रहे हैं। हाँ फुल करना। ये अपना पहला टोल और मांझी, और
सीन ये है कि अपना यहाँ VIP पास है तो साइड से निकल लेंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे हमारे। ये बड़ी अच्छी बात है भाई, टू व्हीलर वाले लोग के लिए पार्किंग नहीं, मतलब सॉरी टोल चार्ज नहीं देना पड़ता सिवाय कुछ सिटीज में के अलावा। तो अपन आज देखते हैं कितने सारे टोल क्रॉस करेंगे और कितने सारे पैसे टोल के बचाएंगे हम। बस एक तकलीफ़ हो रही है ना कि फेस पे बहुत तेज़ हवा लग रही है, मतलब मैं मिरर भी डाउन नहीं कर सकता क्योंकि ये धूप वाला मिरर है और भाई इस चक्कर में गाड़ी भी बहुत तेज नहीं चल सकती। भाई साहब ये हमारे सफ़र का दूसरा टोल हजारीबाग क्रॉस करने के बाद। अभी तक हमने 106 किलोमीटर का राइड पूरा करा है और टाइम है 133 मिनट, एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर और बाकी सब बढ़िया है। ठंड से हालत ख़राब है, इधर बारिश भी हो रही है, रास्ते में बहुत जगह बारिश हुई है तो GoPro हमने ऑफ कर रखा था, ये भी रीज़न है। अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है इधर और ठंड बहुत ख़राब है भाई साहब, हालत ख़राब हो रखी है। तो भाई हम कर चुके थे अभी तक हजारीबाग क्रॉस, हजारीबाग क्रॉस करते हैं तो दिन पापा का फ़ोन आता है कि भाई ट्रेन मिल गई, बोले हाँ मिल गई, बोले कहाँ पहुँचे, तो मैं बताया मूरी पहुँच गए, फिर बोले कौन से ट्रेन से जा रहे हो, तब हमारा दिमाग में थोड़ा सा दुख हुआ कहीं पापा को पता तो नहीं चल गया कि जो लौंडा आपका आपको झूठ बोल के बाइक से जा रहा है। तो हमने बता दिया पापा हम जो हैं कि बाइक से जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है और फ़ोन कर दिया कर। तो मतलब ऐसा मैं सोच रहा था कि शायद दीदी वीदी बता दी होगी कि आपका लौंडा है वो आप झूठ बोल के निकल गया, तो फ़ोन कर दिया कर। और ऐसा है ना कि अभी थोड़ी देर पहले पापा जी का फ़ोन आया और पूछ रहे थे कि भाई कौन से ट्रेन में से जा रहे हो, कहाँ पहुँचे, शायद उन्हें पता चल चुका था कि भाई हम आज बाइक से निकले हैं, तो थोड़े वही डांट वाट मिले और फिर अब देखते हैं वापस घर जाएंगे तब अच्छे से प्रसाद मिलेगा। ऐसा पिछवाड़े में जो एक टैटू छपा है ना, मतलब पापा का छोड़े हैं छाप, बहुत सॉलिड है, अभी तक थोड़ा है तकलीफ, मतलब ये मजाक था, मतलब मेरे पापा अच्छे हैं बहुत, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, बस आने के बाद बताया गया कि बेटा जहाँ भी जाए मैं तेरे को मना नहीं करेगा, बस तू बता कर जा किससे जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस लोगों के साथ जा रहा है, और बाकी तेरे को मौसम देख रहे हो कितना बुरा हो रखा है भाई, शायद हमने राइड के लिए गलत दिन सेलेक्ट कर लिया, बारिश हो रही है हल्की हल्की, ठंड हो रही है और हालत ख़राब हो रही है। तो कहीं भी एक घर है उसके आगे ब्रेकर बना दो भाई साहब, लोग ना इधर पैसे दे देकर ब्रेकर बनवाए अपने घर के आगे, तकरीबन 1500-2000 ब्रेकर हम पार कर चुके हैं और फिर भाई अभी भी कितना है पता नहीं, एक शॉर्टकट के चक्कर में भाई जीना दुश्वार हो गया है। इस वाले रास्ते में अभी तक मेरी जो गड्डी है वो 50-60 के ऊपर नहीं गई है, थोड़ा सा रिदम पकड़ता है और फिर एक ब्रेकर। ऐसा 10:30 का टाइम होता है और अपन पहुंचते हैं चौपाना पहुंचते हैं, वहां पे हम मतलब ऐसा लाइफ में फर्स्ट टाइम जीटी रोड पे इंटर करने वाले थे, तो अपना एक्सपीरियंस था कि भाई जीटी रोड बहुत अच्छा रोड है, सही से चलेंगे तो मज़ा आ गया। तो ये होता है तो जीटी रोड हम पहुँचे, देखा भाई इधर कंस्ट्रक्शन, इधर डाइवर्शन, इधर पुल, दिमाग हो जाता है ख़राब। मैं पूछता हूँ कि भाई क्या यही है जीटी रोड लोगों से, हाँ भैया यही है, तो दुख होता है इस चीज़ को जान के। तो बाकी यही है रोहित जीटी रोड, हाँ रोहित जीटी रोड यही है हाँ, ए भाई जीटी रोड का इतना ख़राब एक्सपीरियंस, इतना कचड़ा रोड है ये, हाँ कुछ खाने वाने का देख ले रोहित,
चाय पी लो कम से कम। तो भाई साहब ऐसा है कि अपन चौपारण क्रॉस कर रहे हैं, ठंड अभी भी बड़ी हुई है और मैं तकरीबन 170 किलोमीटर चलाया और अब बारी है हमारे को राइडर मिस्टर रोहित की। तकरीबन 5-6 टोल पार कर लिए, उस बीच में मतलब सिरघाटी का जो जाम मिलता है भाई, हालत ख़राब, दुख हो जाता है एकदम। मतलब किनारे किनारे से, गाड़ी के किनारे किनारे से अपन को निकाल के निकल जाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि भाई अपन गिरे रहेंगे तो सब गड्ढे वड्ढे में चले जाएंगे, पर वैसा कुछ नहीं होता, अपन सक्सेसफुली पार कर जाते हैं। तो हमारा जो है भेंट मुलाकात हो गया है जाम वाम से, तो देखिए कितने देर में हम फ्री होते हैं और इस जाम से निकलते हैं। और बाकी अभी तक का सीन चकाचक है, हमारे आगे एक पुलिस वाली वैन जा रही है हमारा रास्ता क्लियर करते हुए, ये बढ़िया बात है। ओ भाई साहब, भाई लंबा जाम है यार, आराम से निकलना। पहुंचते हैं सासाराम, नहीं सॉरी, उसके पहले अपन पहुंचते हैं डेहरी ऑन सोन। तो डेहरी ऑन सोन का वही सीन ये था कि वहाँ पर उस वाली नदी, सोन नदी से मतलब बालू वालू का बहुत सारा काम वाम चलता है, तो वहाँ से मतलब वो रोड पूरा गड़बड़ था, धूल मिट्टी बालू ये सब, और बाकी वहाँ सही था। वहाँ से निकलने के बाद अपन पहुँचते थोड़ी देर बाद औरंगाबाद, और चाय वाय पीते हैं वहाँ पीते हैं और फिर निकलते हैं वहाँ से। अपन सासाराम के आसपास पहुँचे होंगे, तब तक लग जाता है बहुत जोरों का। मतलब इस बीच अपन दो जगह ट्राई कर रहे थे, मतलब सोचा था कि मतलब कुछ खा लेते, वैसे ट्राई करा तो सही कुछ मिला नहीं, तो बोले ठीक है। सासाराम पार्क की वहाँ पे ढाबा की तरह था, मतलब अच्छा था, वहाँ हमने खाया पिया और वहाँ से फिर निकल पड़े। उस समय तकरीबन समय हो रखा होगा 3:30-4 अप्रॉक्स, ये टाइम हो रहा होगा। वहाँ से निकलते हैं फिर अपन मुगल सराय से थोड़ा सा पहले रहते हैं, तो गूगल पे चेक करते हैं तो वाराणसी हमें दिखाता है मुगल सराय, वो वाया मुगल सराय होते हैं, वहाँ से 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स दिखाता है। तो हमने मतलब पहले कभी गए नहीं थे तो वो वाला रोड में एंटर कर लिया, और भाई जो जाम मिलता है, मतलब उस 20 किलोमीटर का रोड क्रॉस करने में हमें तकरीबन 1 घंटे का टाइम लग गया, हालत ख़राब हो चुका था। जैसे तैसे पहुँचे बनारस, हमारे जो मित्र पहले से पहुँचे हुए थे उन्होंने होटल कर रखा था, अपन वहाँ गए थोड़ा सा फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद जो सोए हैं 11 घंटा 50 मिनट सोए। अगले दिन सुबह होता है, उठते हैं तो अगले दिन का व्लॉग मिलेगा आपको, अगले दिन में मतलब आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा, और तब तक आप ये व्लॉग इन्जॉय करिए ठीक है। और बाकी सब बढ़िया है, चंगा है, मस्त फर्स्ट क्लास। This ain't what you want, become a fucking phenomenon.